हे सो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम मनीष और आप देख रहे हैं टेक बंटी। तो दोस्तों यार, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप लोग गूगल अकाउंट को रिकवर करते हैं तो वहां पर टू मैनी फेल्ड अटेम्प्ट्स ये जो लिख के आता है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है और ये जब प्रॉब्लम आ जाती है तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों यार, प्लीज यार चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही और वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको एक वीडियो दिख रही होगी दोस्तों। इस वीडियो में आप देखिए, जब हम गूगल अकाउंट को रिकवर करते हैं, ईमेल आईडी को डालते हैं, उसके बाद में हमसे लास्ट पासवर्ड पूछता है, हम लास्ट पासवर्ड भी डाल देते हैं। उसके बाद में जब हमारे मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाने वाला भेजने वाला ऑप्शन होता है, वहां पे लिख के आ जाता है टू मैनी फेल्ड अटेम्प्ट्स। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है और ये यहाँ पे ऐसा क्यों आता है? तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों यार, इसका मतलब होता है कि आपने बहुत बार कोशिश कर ली है अपने गूगल अकाउंट को रिकवर करने के लिए, और आपने जितनी बार भी कोशिश करी है उन कोशिशों से आप अपने गूगल अकाउंट को रिकवर नहीं कर पाए हो, और इसलिए आपको 48 घंटों के लिए गूगल के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है। मतलब आप 48 घंटों तक अपने मोबाइल नंबर पे ओटीपी का जो ऑप्शन है उसको डिसेबल कर दिया गया है। अब आप 48 घंटों तक अपने मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं मंगा सकते हैं। दोस्तों ऐसा गूगल क्यों करता है? दोस्तों जब आप गूगल अकाउंट को रिकवर करते हैं, बार बार ओटीपी को मंगाते हैं, लेकिन आप अपने गूगल अकाउंट का पासवर्ड नहीं चेंज कर पाते, तो दोस्तों गूगल के सर्वर पे ऐसा होता है सिस्टम कि अगर बार बार आप ओटीपी मंगाते हो और पासवर्ड चेंज नहीं कर पाते हो तो उसकी कुछ एक लिमिट होती है। जब आप उस लिमिट से ज्यादा ओटीपी मंगा लेते हो तो गूगल आपको ब्लॉक कर देता है। गूगल को ऐसा लगता है कि ये बंदा या तो अकाउंट के साथ कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है या फिर ये एक हैकर है, जिसकी वजह से वो 48 घंटे के लिए आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देता है। और उसके बाद में आपको करना क्या होता है, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होता है, किस तरीके से ये टू मैनी फेल्ड अटेम्प्ट्स ये जो होता है इसको, इसका मतलब प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है, कैसे सही होगा? तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आपको 48 घंटों तक कुछ भी नहीं करना, अपने अकाउंट को छोड़ देना है, एकदम भूल जाना है। 48 घंटों के बाद में आपका ये जो टू मैनी फेल्ड अटेम्प्ट्स की ये जो प्रॉब्लम होती है ये अपने आप हट जाएगी और आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आने लगेगा। दोस्तों किसी किसी का 48 घंटे से ज्यादा हो जाता है, जो बंदे जैसे ब्लॉक हो गए मान लीजिए आप, लेकिन आप फिर भी ट्राई कर रहे हो ब्लॉक होने के बाद भी, तो दोस्तों आपका 48 घंटे से ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि यार आप ब्लॉक हो पहले से और आप फिर भी कोशिश कर रहे हो तो उससे कोई भी फायदा नहीं है। अगर आप एक बार ब्लॉक हो गए हो तो आप उसको छोड़ दीजिए 48 घंटे के लिए, उसके बाद में आप अपने आप ही आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा अगर आप 48 घंटे तक ट्राई नहीं मारते हैं। दोस्तों अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपके रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।